पढ़ा रहे सर। आज बहुत फ्रेश चैप्टर है कृति का, पहला बहुत फिजिक्स का। कौन सा चैप्टर सर? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, या इसी बाबू आप लोग के बुक में लिखा रहेगा फोर्स एंड एक्सीलरेशन। हेडिंग कुछ भी रहे बाबू, सारे के अंदर कंटेंट बाबू यही पढ़ना बाबू। फोर्स क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन वगैरह है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह सारा हम लोग सीखेंगे, है ना ठीक। तो देखो फोर्स होता क्या चीज है सर, तो आपको बाबू इसमें बहुत देखो जो आपका क्लास 9 का सिलेबस है ना बाबू, चारों इंटरलिंक है। पहला जो आपका चैप्टर है स्वराज बोला टाइम एंड मोशन है, फर्स्ट जो चैप्टर बाबू क्या है टाइम एंड मोशन है, तो ये आपको इस पे कमांड होना चाहिए, है ना ठीक सर। इसमें तीन वो इक्वेशन, ये तो एकदम बाबू सोते हैं के साथ एकदम ये रटना मैंने याद होना चाहिए। एस बराबर क्या है सर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना बाबू। भी बराबर कितना होता है सर, यू प्लस ए टी होता, और भी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस 2 एस। तो टाइम एंड मोशन में ये तीन वो इक्वेशन होते हैं, ये आपको बाबू फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। और याद होने के साथ साथ भोला हर एक टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एस डिस्प्लेसमेंट होता है सर, यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है सर, टी मेरा टाइम होता है सर, ए मेरा एक्सेलरेशन होता है सर, है ना, भी मेरा फाइनल वेलोसिटी होता है सर, है ना। तो जो भी इसमें टर्म यूज है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी बाबू चैप्टर का बाबू इस मतलब हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है कौन सा है सर, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट चैप्टर का ही बाबू अप्लीकेशन है, फोर्स एंड क्या लॉ ऑफ मोशन, है ना ठीक सर। तो जिसका फर्स्ट क्लियर बाबू तभी सेकेंड वाला थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, नहीं भी क्लियर आएगा आएगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो आपको एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। एक्सीलरेशन क्या होता है सर, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, इसके बारे में आपको क्लियर रहेगा, तब आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। फिर इसके बाद थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, है ना। तो ग्रेविटेशन में बाबू ये दोनों चैप्टर यूज हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर मिला के ग्रेविटेशन बनेगा, है ना ठीक सर। अब फिर चौथा आपको हम क्या पढ़ाएंगे, बार्क पावर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, बार्क एनर्जी एंड पावर, ये वाला है ना। तो बार्क एनर्जी एंड पावर में बाबू ग्रेविटेशन से तो मतलब नहीं है, लेकिन बाबू इसमें फार्मूला जो आएगा ये पहला दूसरा के मिला के ही फार्मूला आएगा। मतलब क्लास 9 का जो फिजिक्स का चारों चैप्टर है ना, चारों इंटरलिंक है, पहला का एप्लीकेशन दूसरा में, दूसरा का एप्लीकेशन तीसरा, तीसरा का एप्लीकेशन चौथा में। इसके बाद एक साउंड है, उसको बाबू पीछे से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। लेकिन ये चारों चैप्टर आपका इंटरलिंक है, एक को वो गड़बड़ाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना बोला। तो इसको अच्छे से पढ़ना, तो कम से कम आपको एक्सीलरेशन क्या होता उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या चीज होता। तो देखो पहले थोड़ा सा एक्सीलरेशन बता देते हैं, है ना। तो जब भी जिंदगी में, है ना, जब भी जिंदगी में, है ना, याद रखना बोले कि वेलोसिटी बदलेगा, जब भी जिंदगी में वेलोसिटी अगर बदल रहा है, वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या सर, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं भोला और भोले। बेटो ऑन करो जी, श्रुति ऑन करो जी, लक्ष्मी बोले, जब भी जिंदगी में, लक्ष्मी है ना बाबू, लक्ष्मी जब भी आपके जिंदगी में बाबू कोई गाड़ी वगैरह है लक्ष्मी, है ना ठीक, अब मान लो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, और कुछ दूर दूर के बाद बाबू कुछ समय के बाद इसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला लक्ष्मी? हाँ सर बदला सर। तो जब भी जिंदगी में, आज छटपटाई समय रहा था फिर आके कूटेंगे, एक को लाइन मिस रहा समय रहा था समझ लेना ठीक है ना। कॉपी अभी आपको बाबू मम्मी को फोन करेंगे और कॉपी छोड़ के जाना, पानी जब लेना आएंगे ना उसी समय चेक करेंगे, मिस रहा ढूंढ देंगे ठीक। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं बाबू कि जब भी जिंदगी में वेलोसिटी बदलेगा, यहाँ वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हाँ सर 10 से 20 हो गया। तो जब जब जिंदगी में वेलोसिटी बदलेगा तो वहां पे एक नया टर्म आएगा, क्या आएगा सर, एक्सीलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, है ना, क्या आएगा भोला, एक्सीलरेशन आएगा।
अगर वेलोसिटी बदलेगा तो वेलोसिटी बदलने का जो रेट है उसी को क्या कहा जाता, एक्सीलरेशन कहा जाता, और कुछ नहीं है। जब जब जिंदगी मान लो गाड़ी चला रहे हो, तो चकिया चर चकिया जो भी चकिया चला रहे हो, तो कभी धीरे कभी स्लो, कभी धीरे कभी स्लो, है ना, तो वेलोसिटी बदल रहे हो। तो वेलोसिटी जब जब बदलोगे तो उस गाड़ी में दो चकिया चर चकिया में क्या होगा, एक नया वर्ड आएगा, एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन होता क्या चीज है सर, कुछ ना होता, वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी कृतिका। वेलोसिटी बदलेगा तभी एक्सीलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी नहीं बदलेगा, मतलब यहाँ पे 10 है बोला और यहाँ पे भी 10 रह जाए तो नहीं ना बदला, तो इस केस में कहेंगे गाड़ी में एक्सीलरेशन नहीं है, है ना। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है श्रुति शैतान, कि जब भी जिंदगी में वेलोसिटी बदल रहा है तो वहां पे बाबू डेफिनेटली एक्सीलरेशन आएगा ही आएगा। तो क्योंकि सर एक्सीलरेशन का डिफिनेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ना। मतलब वेलोसिटी बदल गया 10 से 20 हो गया, तो इसको बदलने में कुछ टाइम लगा होगा ना जी। मान लो गाड़ी चला रहा है, स्पीड करेगा तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड मिली सेकेंड कोई ना कोई सेकेंड लगेगा ना, है ना। तो यही वेलोसिटी बदलने में बहुत जो टाइम लगा, टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वही क्या आ जाएगा, इस गाड़ी का एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक। जब किसी गाड़ी में एक्सीलरेशन होगा तो ये अपने से प्रोड्यूस नहीं होता, इस पे डेफिनेटली क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हमारा कुछ होना समझ में आया, मान लो कोई खिलौना है ना बाबू, बच्चा वाला खिलौना है ना सर, हाँ सर, है ना। मान लो ये बच्चा वाला खिलौना पहले जा रहा था 5 से, है ना, धीरे धीरे इसको पीछे से 1 लात मार दिया, स्पीड बढ़ गया, तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला। तो जब भी बाबू किसी गाड़ी में भोला वेलोसिटी बदल रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अब जब भी एक्सीलरेशन आ जाएगा तो अपने से एक्सीलरेशन नहीं आता, उस पे कहीं ना कहीं से बाबू आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना बाबू। कोई भी गाड़ी में बोला अपने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसमें कहीं ना कहीं फोर्स लगेगा बाबू, तभी क्या होगा, एक्सीलरे आपका बाबू, है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। बात समझो, सारा का सारा बात इंटरलिंक है। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू मेरे, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मान लो कोई गाड़ी वगैरह है बाबू, है ना, समझो, जब जब जिंदगी में बाबू आपका वेलोसिटी बदलेगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। और जब जब एक्सीलरेशन होगा तो उस एक्सीलरेशन को वेलोसिटी बदले में बाबू कोई ना कोई जगह क्या लगा होगा, फोर्स जरूर लगा होगा। मान लो ऐसे है ना, अभी एट रेस्ट में अभी वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब इसको बाबू इधर से ठेल दिया, इसको ठेल दिया वो तो मूव किया ना जी, है ना, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना भोला, पहले 0 था सर, इधर से ठेल दिया, अल्लाह, है ना, तो ठेल दिया भोला तो वेलोसिटी आ गया। तो पहले वेलोसिटी 0 से कुछ वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी बदला कि नहीं बदला। तो ये जो वेलोसिटी बदल रहा है ना, इसी को क्या कहोगे, एक्सीलरेशन कहोगे, ठीक। अब ये जो एक्सेलरेशन हुआ अपने से पैदा लिया नहीं, इसके लिए एक्सेलरेशन इस पे प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला कि जब जब किसी गाड़ी में एक्सेलरेशन होगा मतलब वहां पे आपको फोर्स लगेगा ही लगेगा, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। बात समझ में आया, ये कौन बोला, हम बोले ना, ये कौन बोला, न्यूटन बोला, है ना। ये सब बात कौन बोल रहा है, न्यूटन बोल रहा है। वो तो वो है ना बाबू जो चल बसा, इतना बात बोल के चल बसा, वही आपको हम बाबू है ना रिकॉर्ड किया हुआ है, तो टेप राइडर है ना, वो क्या होता बाबू, टाइप राइडर होता है ना जी, जो भी हो गए, है ना, आपको रिकॉर्ड किया हुआ बात को सुना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बोला फोर्स का जो यूनिट होता है बाबू क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स को यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक ठीक सर। तो क्या है डिफिनेशन सर, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, बाहर से फोर्स लगाया ना धुक सनी, है ना, दैट काउज कैपेबल ऑफ चेंजिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब क्या बाबू, फोर्स मेरा यह एक एक्सटर्नल एजेंट है बोला, बाहर से वह कारक है
जो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मोशन में ला रहा, या बाबू कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट है बोला तो उसको कैसे ला रहा है, रेस्ट में ला रहा है ना, उसको कैसे ला रहा है बोला, रेस्ट में ला रहा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो मोशन में है, जैसे मान लो कोई साइकिल चले तो आ रहा, ऐसे गाड़ी जा रहा पीछे से पकड़ के खींच लो, तो एट रेस्ट में होगा कि नहीं होगा, मान लो जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा पीछे से पकड़ के खींच लो, एट रेस्ट में हो है ना। तो फोर्स मेरा वह कारक है बाबू जो क्या कर सकता, कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को बाबू मोशन दे सकता है, और नहीं तो कोई मोशन वाला ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता, रोक सकता है, बस यही होता फोर्स। कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता, उसमें मोशन दे सकता है, या कोई बाबू दौड़ रहा है और पीछे से पकड़ के खींच लो तो दौड़ते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है ना। तो यही जो बाबू खेल रहा है या बाबू जो खींच रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। तो आप लोग बाबू क्लास 8 में पढ़े होंगे फोर्स का डिफिनेशन, क्लास 8 में पढ़ा होगा, लोअर स्टैंडर्ड में, पुश और पुल है ना, खींचना और ढकेलना, पुश एंड पुल ऐसे बोला हाँ, एट पुश और पुल। है ना क्लास 8 में, ये सब लोअर स्टैंडर्ड वाला। आप लोग 9 के बच्चे, तो 9 वाला डिफिनेशन थोड़ा सा लोअर पढ़ेंगे ना, 8 में रहता तो क्या पढ़ाते बाबू, किसी चीज को ढकेलना और किसी चीज को खींचना है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ये सब 8 वाला चीज है, ढकेलना खींचना ढकेलना खींचना है ना, उस बच्चा वाला चीज हुआ है ना। तो वही होता है स्वराज भोला, फोर्स मेरा क्या था बाबू, एक एक्सटर्नल एजेंट है भोला, मतलब बाहर से कोई इस पे लग रहा भोला, जो क्या होता है बाबू, जो कैपेबल है बाबू चेंजिंग ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो क्या करता है बाबू, अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट में तो उसका स्टेट चेंज करेगा, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, और मोशन में तो उसको किस में ला देगा, रेस्ट में ला गया। तो इसी को कहते हैं क्या, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट है ना, उसकी बाबू जो अवस्था है उसका जो स्टेट है उसका स्टेट को चेंज कर दो। मान लो अभी बैठा है पीछे से एक लात छोट का भाई मार गया, वो घुलट के चल जाओगे है ना, तो आपका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ है ना, बोला आराम से बैठ कर पढ़ रहे बाबू, आया छोट का भाई पकड़ के ठेल दिया, तो अब रेस्ट में बाबू ठेल दिया तो आपके मोशन में आ गया, तो वही जो ठेल दिया उसी को क्या कहोगे, फोर्स कहोगे। उसी को क्या कहोगे मनीषा साहू, फोर्स कहोगे, और कुछ नहीं होता है ना। ठीक हाँ सर, तो इतना, या इसका दूसरा डिफिनेशन क्या सर कर सकते हैं सर, फोर्स इज दैट कॉज बोथ विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द क्या बॉडी, फोर्स मेरा वह कारक है बाबू जो किसी बॉडी में क्या करेगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वही है फोर्स इज दैट कॉज बाबू विच प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी बाबू, विच इज एक्ट जिस पे लगता है। अभी जैसे बताया ना जी गाड़ी है एट रेस्ट में और उसको ठेल दिया तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो एक्सीलरेशन जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसी एजेंट को उसी कारक को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे है ना, बस मामला खत्म। मान लो गाड़ी यहां था, आपने इसको ठेल के इसमें एक्सीलरेशन ला दिया, वेलोसिटी बदल गया सर तो एक्सीलरेशन आ गया सर, और जैसे एक्सीलरेशन आ गया सर तो ये किसके कारण है, एक्सीलरेशन आया ढकेलने के कारण है, तो वही जो ढकेल रहा है उसी को नाम क्या दिया गया है, कृतिका फोर्स नाम दिया गया, क्या दिया गया बाबू, फोर्स नाम दिया गया है ना। तो यही बेसिक डिफिनेशन होते हैं। और जैसे बाबू आप कोई रबर को पकड़ के खींच रहे हो है ना, आप लोग जूटा करते हो ना, जूटा वाले नहीं करते ऐसे ऐसे जी, तो रबड़ों को पकड़ के ऐसे खींचता दोबारा ऐसे लपेटता है ना भोला, है ना, दोबारा ऐसे करके नहीं लपेटते कृतिका, अरे शैतान चोटी अपन बांधते, हमारे तो चोटी है ही नहीं, रहता था बांध के बता देते, रबर वाइस फैलाएगा है ना बाबू। हाँ सर कि नहीं बोले, जैसे बाबू ऐसे हो गया है ना, तो ये रबर है तो इतना बड़ा नहीं लगाते हो है ना, अब इसको क्या कर दो, स्ट्रेच कर दो, इसको ऐसे 2 बार मान लो ज्यादा बढ़ाते ऐसे 3 बार है ना, ऐसे करके बोली 2-3 बार ऐसे करके फैलाओगे, ऐसे चोटिया बांधते हो है ना, ये जो चोटियां बांधते हो बोली मेरी, ये क्या हो रहा है, रबर स्ट्रेच हो रहा है, रबर बैंड वगैरह, तो ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है बोली, क्योंकि इस पे क्या लगा रही हो, फोर्स लगा रही हो, क्या लगा रही हो, फोर्स। तो फोर्स का हम लोग के पास बहुत सारा एग्जाम्पल हो, दरवाजा खोलना क्या फोर्स का एग्जाम्पल है, दरवाजा को बंद करना वो भी फोर्स है बाबू, मतलब जहां जहां बाबू आपका पुश है पुल है वो सारे के सारे क्या है, फोर्स है। तो इसको पकड़ के खींच रही हो बोला, छोड़ रही खींच रही तो पुश पुल पुल है ना। और सर जैसे क्या वेट लिफ्टर लिफ्टिंग वेट है ना, वेट लिफ्टर भार जिसको आप लोग बाबू ये सब जिम वाला नहीं करते बाबू, ऐसे नहीं करते जी, डंबल उठाता है ना, तो वो भी डंबल पे क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा, डंबल पे क्या कर रहा, फोर्स लगा रहा है ना। तो ये सब सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, फोर्स है। कार वगैरह को ढकेलते रहो, मान लो खराब हो गया पीछे से ढकेलता,
ये सब सारे के सारे क्या सर, फोर्स है ना। नेक्स्ट बोला तो फोर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता, मान लो बोला किसी चीज को आप ढकेलोगे तो उस पर कोई ना कोई शक्ति लगा रहे ना जी, तो वो जो शक्ति लगा रहे उसी को क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड कहोगे। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कैसे सर, ऐसे सर। कैसे सर, ऐसे। डायरेक्शन चेंज अगर कर दोगे बाबू तो हो सकता आपको कभी कभी कम फोर्स लगाना पड़े, जैसे हमको नहीं समझ में आया। जैसे मान लो बाबू आपके पास ये बुक है, ठीक, अब इसको बाबू बुक है बोला, मान लो ये बुक की जगह बड़ा थोड़ा ट्रंक है, अब इसको ऐसे करके खेल रहे हो, खेल रहे हो बाबू, तो इस पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक। अब इसको मान लो ऐसे करके घींच रहे हो, नहीं घींचा रहा है ना, ठीक, मतलब घींच रहे बाबू तो फोर्स लग रहा है ना। अभी किस डायरेक्शन में खींच रहा, हम अपने डायरेक्शन की ओर इधर खींच रहे हैं ना सर। अब इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, ऐसे करके खींचो। कैसे करके सर, ऐसे करके। कैसे करके, ऐसे करके। पहले ऐसे खींचा, मान लो भारी सा ट्रंक है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा फोर्स लगा, अब इसको ऐसे करके खींचो। तो अब ऐसे करके खींचोगे बोला तो फोर्स कैसे लग रहा है ना, ऐसे ऊपर की ओर लग रहा। फोर्स कैसे लग रहा बोला, ऊपर की ओर लग रहा ना जी, ऐसा ना तिरछा ना बाबू, ठीक। अरे ट्रॉली बैग देखे हो कि नहीं देखे हो, मतलब क्या बाबू, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं भोला और भोली, जैसे मान लो कोई ट्रंक वगैरह है, मम्मी जी का पेटी है आप लोग के घर में सब में है ही है, और उस पेटिया को पकड़ के घींचो है ना, तो पेटी ऐसे रखा हुआ भोली और इसको इधर से खींच रहे हो पकड़ के, कि नहीं भोली है ना। आज पेटी जमीन पे रखा हुआ वो अस्मायरा है ना, मम्मी जी का ट्रंक पेटी वगैरह, तो ऐसे खींच रहे बहुत, आपको ज्यादा शक्ति लगाना पड़ेगा। मतलब अभी फोर्स कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसी को थोड़ा ऐसे कर दो, कैसे कर दो, इसी को थोड़ा ऐसे कर दो, ट्रॉली बैग की तरह ऐसे तिरछा करके खींचो है ना। मतलब ट्रॉली बैग देखो ना जैसे पकड़ के तिरछा करते हैं, मतलब अभी कॉन्टेक्ट इतना ही सुन में होता है ना बाबू, तो पहले ऐसे फोर्स लगा रहे थे सर तो ज्यादा थकावट फील हो रहा था, आप फोर्सवा को ऐसे करके नहीं थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके खींचेंगे, तो तिरछा करके ऑब्जेक्ट को खींचोगे ना बाबू तो आपको आसानी से इधर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा है ना। तो ऐसे था सर तो फोर्सवा ज्यादा लगावे पड़ रहा था, और ऐसे आ गया सर तो फोर्सवा क्या लगाना पड़ा, कम लगाना पड़ा। मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फोर्स का वैल्यू चेंज हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए बोला फोर्स मेरा क्या होता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता। कोई कोई चीज में बहुत डायरेक्शन चेंज करने से भारी काम क्या होता, आसान हो जाता है ना, आसान हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए फोर्स मेरा क्या, उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। अब जिस जिस क्वांटिटी में बाबू मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वैसे क्वांटिटी को बोली हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, याद रखना। जिस जिस क्वांटिटी में दो, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से बाबू उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स मेरा क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स मेरा क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक। तो ये याद रखना है ना, फोर्स मेरा क्या होता है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, ये सब बात सब कौन बोला, हमें बोले ना, हम ना बोले, न्यूटन बोला। इसीलिए फोर्स को कैसे नापा जाता है, न्यूटन में। क्या बेटो फोर्स को कैसे नापेंगे बाबू, रोशनी, रोशन करो, न्यूटन में। न्यूटन को कैपिटल एन से, तो कहीं भी बाबू ऐसे लिखा जाएगा 5N, मतलब कितना सर, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा। कहीं भी 6N लिखा है, मतलब कितना सर, आदित्य बोला 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। एन लिखल रहा है मतलब कौन है आ गया, न्यूटन आ गया। एन लिखल रहा है मतलब कौन आ गया, बोला न्यूटन आ गया। तो यही कहानी क्या है, फोर्स की कहानी है ना, यही कहानी फोर्स की है। फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है बाबू, जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है ना बाबू। नहीं होगा जी तो आप लोग प्रैक्टिकली करो ना, एक बाबू सूटकेस है उसको ठेल के लेके जाओ, आ एक बाबू उसको तिरछा करके लेके जाओ, तिरछा करके, तिरछा करके है ना, ठीक है ना, इतना नीचे ऐसे ऊपर करके खींच के लेके जाओ, तो देखोगे बाबू आपको आसानी से मूव हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसीलिए बोला मेरा फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। इसीलिए फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फोर्स को क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे है ना। तो ये बेसिक डिफिनेशन का था फोर्स का। अब फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है सर,
वो हमको पढ़ना है, तो उससे पहले बाबू आपको जो टेस्ट वाला क्वेश्चन कुछ कुछ है सोल्यूशन करवा देते हैं, है ना, टेस्ट का क्वेश्चन वगैरह सोल्यूशन करवा देते हैं, चूंकि बहुत सारा बच्चा को दिक्कत हो जाता है ना बाबू। बहुत सारा गार्जियन बोले बोल रहे हैं बाबू पीटीएम था ना एक दिन जी बचपन सबका, तो उसमें बड़कनो बचपन आता, तो टेस्ट वाला को सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आप लोग के पास सारे बच्चे के पास क्वेश्चन है ये श्रुति, काहे नहीं बना के भेजी थी श्रुति? श्रुति बोली सर बना के कहानी भेजी हो जी? मैं सैटरडे से फ्राइडे में क्लास ही कर रही थी। तो नहीं कर रही थी तो बना के भेजना ना जी, करो चाहे नहीं करो जी, घर का तो क्लास हो, तबीयत खराब था श्रुति? हाँ सर, बहुत बहुत जोर से खराब था सर, एकदम उठ नहीं रहे थे, एकदम क्या करे एकदम, है ना बोली श्रुति, बहुत कष्ट था बच ए, कितना हमारी बच्चे सब कष्ट करते हैं भगवान, कभी सबके कष्ट सुनिएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या करे बाबू, एन एनिमल बाबू इनिशियल वेलोसिटी दे ले 5 मीटर पर सेकेंड सब्जेक्टेड टू, इतना शांति सब सुनते चलो, क्वेश्चन है बोला सारे के ग्रुप में भेजा हुआ बाबू, है ना, यही क्वेश्चन है बोला कि नहीं, हम लोग सॉल्व करते चलते कि नहीं, है ना सर, जल्दी जल्दी कर देते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा है ना फिर भी बाबू कोशिश करेगा समझ में आ जाएगा। देखो जी क्या कह रहा है, बाय सर। ए भाई सर आप कोई सर कह लिया जी, एन एनिमल बाबू पढ़ो जरा, एन एनिमल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना थी बाबू, 5 मीटर पर सेकंड, यू कोई जानवर है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा, मूव कर रहा, सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन दे ले है, ए की वैल्यू दिया हुआ आदित्य बोला -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एस निकालने का रहा है, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में, है ना 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाले का है, बनाया था ये बोला आदित्य बाबू कि नहीं बनाया था जी, सही बनाया ना सर? था जी, कौन यस सर। सा मेरा बच्चा फॉर्मूला लगाएगा, एस बराबर बाबू ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया एस बराबर का लगाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएगा, यू की वैल्यू कितना होगा 5 होगा, टाइम की वैल्यू 4 होगा, +1/2 होगा, एक्सेलरेशन साइन के साथ लेके करना जी, आई इन टू कितना टी स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा बोले 1/2 बाबू मल्टीप्लाई -4, तो माइनस आगे आ जाएगा ना बाबू, कृतिका मनीषा साहू आई इन टू 16, 2 से 2 मर गया तो 20 माइनस कितना बाबू निकू 32, 20 माइनस 32 -12 मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर, -12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, ये पहला था भोला, लिखो जल्दी जी। दूसरा नंबर क्या कर रहा बाबू, जल्दी ज्यादा नहीं लगेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन दिए थे, इसमें भी सब शैतान नहीं बनाता है, लेवल एकदम छोटा छोटा था, देखो कुछ दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू पढ़ो, लक्ष्मी सपना इस सेजल आप भी नहीं भेजी थी जी, सेजल भेजी हो जी, चेक यस सर, हम उसी दिन भेज दिए। यस कर दिए थे बोले, चलो सर, अच्छी बात है, 2 दिन हमको खाली ये सब का बाबू चेक करे में लगता, बताओ सैटरडे संडे मंडे इसका कहाँ गलत है नहीं है। नेक्स्ट भोला 2 नंबर देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर में किसको आप लोग को किसको किसको डाउट है, जो जो डाउट है शैतान हुआ दे को तो डाउट रहेगा करेगा, 2 नंबर क्या करे, गर्ल्स रन फॉर 10 मिनट बाबू, कोई लड़की वगैरह बाबू 10 मिनट दौड़ती है, शांति से समझना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग के बुक में गाड़ी घोड़ा दे रहेगा बाबू, यहाँ पे कोई बच्चे को ही दौड़ा दो है ना, ठीक 5 मिनट के लिए दौड़ती है बाबू, 10 मिनट के लिए दौड़ती है भोली, 10 मिनट के लिए दौड़ी, मान लो ए से कहाँ गई, बी गई है ना, मूविंग इन फॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर घंटा, कितना स्पीड से जाती है, 9 किलोमीटर पर घंटा, कैसे फिर से जाती है सोरा शैतान, एट भाट सर्व सी रन बाबू नेक्स्ट 20 मीटर शोड एट एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा, कह रहे बाबू अगला अगला 20 मिनट बाबू कितना स्पीड से दौड़ेगी कि इसका जो एवरेज स्पीड है भोली मेरी कितना हो जाए, एवरेज स्पीड कितना हो जाए 12 किलोमीटर पर घंटा,
ना, देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन आधा बच्चा को समझ में नहीं आया है ना। हाँ सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, बताए थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, रौनक बाबू क्या होता है बोला, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है जी आदित्य बाबू, टोटल डिस्टेंस स्मायरा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना सर टोटल टाइम, यही होता है ना मोशन। तो देखो क्या करा, कोई लड़की है भोली है ना, 10 मिनट दौड़ी कितना की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, फिर बाबू 20 मिनट, बाबू कह रही बाबू 20 मिनट में बाबू कितना स्पीड से दौड़ेगी, इस 20 मिनट 20 से 30 रीजन में इस लड़की का कितना स्पीड रहेगा है ना बाबू, कि एवरेज स्पीड यहां से यहां तक के एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा, यहां से यहां तक के एवरेज माने इसमें 20 से 30 जान में कितना स्पीड रखेगी कि एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा हो जाए, कैसे सोचोगे, देखो कैसे सोचना, 9 किलोमीटर पर घंटा 10 मिनट में, तो ए से बी का डिस्टेंस निकाल लोगे, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लो बाबू है ना, डिस्टेंस बराबर क्या सर, स्पीड इंटू टाइम, बचपन में यही पढ़ा है ना, तो डिस्टेंस बराबर ए से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, स्पीड है 9 बाबू इंटू टाइम 10 है, तो 9 किलोमीटर पर घंटा ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, 10 घंटा बराबर कई मिनट, 10/60, अरे 10 घंटा बराबर 60 से डिवाइड करोगे ना, 3 से मारो 3, 3 से मारो 2, कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, मतलब ए से बी की दूरी कितना हो गया सर 1.5 किलोमीटर हो गया, ठीक ठीक सर, टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट, और यहाँ से 20 से 30 में 20 मिनट, तो टोटल टाइम कितना 30 मिनट लग गया, तो आपको क्या करा बाबू, एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा मेंटेन करना, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो बाबू, यहाँ से यहाँ जाने का एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमको नहीं पता सर, टोटल टाइम दिले है 10 मिनट और 20 मिनट, 30 मिनट, अरे 10 + 20 कितना हो गया 30 मिनट हो गया, तो हमेशा बाबू कैलकुलेशन एक यूनिट में करो, यहाँ मिनट आपको स्पीड किलोमीटर पर घंटा दे लेते, 30 मिनट को घंटा में बदलो, 30 मिनट को घंटा में बदलो, तो 30 बटा कितना 60 घंटा, ठीक नेक्स्ट बोला, ये 30/60 को इधर पकड़ के ला, एक एक मर गया जी, ये 2 से मर जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1/2 को पकड़ के इधर ला, तो 12 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर टोटल डिस्टेंस है ना सर, तो ये कितना हो जाएगा 6 से मर जाएगा 6 हो जाएगा, किलोमीटर बच जाएगा, तो 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, समझा बोला आप आदित्य बाबू, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर, मतलब यहां से ए से सी तक की दूरी कितना हो गया 6 किलोमीटर, जेरा में बाबू 1.5 किलोमीटर ये वाला, ए से बी तक की दूरी 1.5 किलोमीटर, तो बचेगा कितना जी, यहाँ से बाबू एक से बी तक के 1.5 किलोमीटर है, टोटल 6 है बाबू, तो बी से सी में कितना बचेगा 4.5 किलोमीटर बचेगा है ना, अब बाबू आपको पते हो गया बाबू, ये डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल दो आ जाएगा है ना, तो यही आपको करना था, आगे क्या करना था बोला, बी से फ्रॉम बी टू सी में बाबू, फ्रॉम बी से सी में टाइम दिया हो 20 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट बोली, तो 20 मिनट बराबर कई घंटा, 20/60 घंटा, मर जाएगा 3 बार में 1/3 घंटा, समझा लव से था, डिस्टेंस दिले 4.5 किलोमीटर, तो स्पीड बराबर बी से सी में कितना सर 4.5, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/3 किलोमीटर, नीचे घंटा 45 या 3 ऊपर जाएगा, तो 13.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो यही तो करना था जी, आप लोग को थोड़ी कुछ करना था जी, यही सब नहीं बनाई शांतनी, नहीं ना बना के भेजियो जी शांतनी, बहुत कम बचा है, समझा लो शैतान, कहाँ सर ला के भेजिए छोड़, सर समझा ला बाबू, ये शैतान नहीं अंशु जीतो नहीं बना के, अंशु जीतो नहीं बना के भेजा, ढीठ ही सब है,
बना सर मैं लिया हूँ ज्वाइन ही मटर नहीं की थी पर उस मैदा दिन, तो नहीं कैसे है। बना के भेजती। फिर छटपट आ रही है अस्मायरा, फिर वो आरब छटपट आ रहा है, छटपट आ रहा है जी अस्मायरा चलो आरब, फिर मेरे को छटपट खाना बना दीजिए। अच्छा हाँ सर, फिर आरब छटपट आ रहा है जी। नहीं सर आप बाबू जब भी आएंगे कॉपी छोड़ के जाइएगा, स्कूल आएंगे हम आपका कॉपी चेक करेंगे, जिस दिन नहीं लिखा रहेगा ढूंढ देंगे पकड़ के। हाँ लेकर कॉपी स्कूल जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे। यस छोड़ के सर, ना जाओगी जी, कॉपी छोड़ के, डेट के साथ लिखा हुआ रहना चाहिए। आएंगे बाबू एंड आप स्कूल में रहोगे, आपके मम्मी सम्मान के चेक कर लेंगे। नेक्स्ट बोला, अगला किसको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? प्रूफ यार वो प्रूफ वाला पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में डाउट हो गया जी। अरे यार उसको जो प्रूफ करना था वो वाला। अच्छा उसमें कुछ करना है बोला आपको, देखो बोला आगे बाबू किसको किसमें डाउट है दित, बाबू बता रहे हैं, आ रहे वहां तक आ रहे हैं, किसमें डाउट है दित, शैतान है जी कि चल गया जी। यादित बाबू और किसमें डाउट है जी? सर, 9th के बी लक्ष्मी वाले में। 9th के बी वाला बोला, चलो अच्छी बात है। आपको लक्ष्मी किसको किसमें डाउट है, तो दो क्वेश्चन हम बता दिए अपना मन से, आप लोग को जिसमें डाउट है वही ना पूछिएगा जी। चलो 9th का बी हम लोग सीखते हैं। देखो आदित्य बोला, नौमा का बी क्या कर रहा है शैतान, कृतिका भोली। सर 9 का ए भी। 9 का ए भी भोली, ये तो क्वेश्चन बताइले ना बाबू। सर 8 का ए बताइए सर आप। 8 का ए बताया, आप बना के भेजे हो जी 8 का ए बताया, हद करता जी 300 बना और एक लिया सौ तो अस्सी सर, हाँ तो भेजा का नहीं जी 8 का ए में, इसको दिक्कत हो तो बाबू कोई भी बच्चा हंसेगा। 120 डिग्री है और ई 130 डिग्री है, सारा ई वाला एंगलवा निकाल लेला तो नहीं निकलेगा बोले, कैसे निकालोगे देखो कैसे करोगे। ई लेनवा पैरेलल है, ई वाला लेनवा और ई वाला दोनों क्या है सर, पैरेलल है। ई वाला क्वेश्चन में हम दे ले, देखो कैसे निकालोगे। देखो बाबू आपको क्या बोले थे, बोली जब भी पैरेलल लाइन दूर दूर है तो आगे पीछे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा आगे करो हो गया, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, बस यही तो करना था, इसको थोड़ा आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो ई लाइन में पैरेलल है तो इसको आगे किए तो पैरेलल है ना, आगे किए हैं जी, मतलब ई ये वाला पूरा पैरेलल हो गया, तो ये एंगलवा कितना हो जाएगा बोल दो मनीषा साहब, 120 है, कितना होगा नुस्खा बोलो जी, कोई नहीं बोलेगा बाबू। अरे ये 120 है, ई लेन वाई लेन पैरेलल है, तो ये वाला एंगलवा कितना हो जाएगा जी, अभी सर ये नहीं बोलो नुस्खा, 120 120 होगा बोले, तो बाबू लगा कितना होगा बोले कृतिका, कितना भी नहीं सर। होगा कृतिका बोलो बोले। कौन सी अरे ई लाइन वाई लाइन में पढ़ला लेते, ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगलवा कितना हो जाएगा, मान ले रहा बाई मानोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा बाबू बोलो कृतिका। तो बोला जिंदगी बर्बाद हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हे देवा देवा उठा तो कुछ ले, की हमरा डिग्री हमरा ना ये सबको उठा लो है ना, काहे बाबू कृतिका ऐसे बोले, हम तो बर्बाद हो गए, सेना पे छाती रख के अपन रीढ़ के इसको पीटेंगे क्या करेंगे, हाय राम हाय राम। बोली ये 120 है बाबू, तो ये कोई इंटीरियर एंगल ना है जी, है ना ये 120 है, कोई इंटीरियर एंगल से 180 होता तो ये 60 होगा ना बाबू, अब ये 60 होगा तो ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल से नेक्स्ट 60 60 नहीं होगा जी। नेक्स्ट ये 130 है तो ये वाला एंगलवा कितना हो जाएगा अदित बाबू, अदित को बोलने दो जी, ये 50 130 है अदित, ये 50 होगा, तो एक ट्राइंगल में बाबू ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है अदित बाबू, 80
50 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180, 50 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180, तो 11 110 प्लस एक्स बराबर 180 है ना, तो ये 110 उधर भेजो तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 70 हो जाएगा। यही ना करना था जी। नेक्स्ट देखो, हम तो लुट गए बाबू दाम, नहीं सब पढ़ते हैं, देवा देवा जल्दी से उठा लीजिए। कैसे है। गुड ये आप लोग कैसे इवनिंग सर। सर था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। हो गया देखा। आप लोग के स्कूल वाला प्रिंसिपल कैसे जीवित है, बोला नहीं पढ़ गई बाबू, फिर भी बाबू इतना में तो आदमी मतलब ही सुन। क्या है। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना भाई, गुड इवनिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट बाबू देखो, बी नंबर में किसको डाउट है? अरे मेरे को सर तो नाइट हो गई क्या। अभी आपका टाइम नहीं हुआ, ये तीनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है स्वराज भोला, गुड आफ्टरनून ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, और ये जेड दिया हुआ है, और ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर। अब ये बताओ भोला, मेरा एक्स वाई जेड निकाले का रहा है, देखो ये लाइन मा तीनों पैरेलल है, ठीक ठीक सर। तो ये बताओ, ये 90 डिग्री यहाँ पे देले है, तो ये 90 देले बाबू, और ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल लाइन में बाबू, एगो पे 90 डिग्री ड्रा करोगे तो दूसरा पे ऑटोमेटिक 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान देना। एगो पैरेलल लाइन बाबू, दूगो पैरेलल लाइन है, बीच में वो 90 बनोगे तो ये ऑटोमेटिक 90 होता है। ये 90 है तो इस पे भी टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 90 में 55 ही है तो बचेगा जो 100 हो जाएगा। अरे ये लाइन वाइज तीनों का तीनों पैरेलल है, तो इधर 90 डिग्री दे ले है सर, तो इधर 90 दे ले तो इधर हूँ क्या होगा, 90 ही बनेगा, ये वाला लाइनमा जो है ना इस पे 90 ही बनाएगा, तो 90 में 55 ये दे ले, तो 90 माइनस 55 कितना, 35, तो एक्स की वैल्यू 35 डिग्री हो गया, हो गया। नेक्स्ट बोला कृतिका बाबू, आप कैसे सोचोगे, अब तो आसान है बाबू, ई लाइन पैरेलल है सर, है ना? हाँ सर, कि नहीं सोचना तो रहता बाबू, तो ई वाला 35 डिग्री हो गया, ई कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया, ठीक। अब समझो बोला, देखो आसान है, ई यहाँ 90 तो ई सब जगह 90 रहेगा, ई 90 यहाँ 90, आ ई 35 तो ई 90 ई 35 वाला नहीं निकल जाएगा जी, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 90 डिग्री ये 35 डिग्री, तो 90 प्लस 35 घटेगा ये हो जाएगा, तो ई 55 आ जाएगा। अब ये 55 आ गया तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना, 180, 180 में 55 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जो भी हो जाए बोला, 180 में 55 घटाओगे 135 आ जाएगा जी, है ना? ये 135 हो जाएगा, और बोला आपका ई एंगलवा, ई एंगलवा सोचो, ई लाइन और ई लाइन, ये कौन सा लाइन हो जाएगा जी, ये लाइन ये पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसका क्रॉस, 135 नहीं 125 हो जाएगा। अच्छा 125 लिख लो, तो ये 125 के साथ ही बाई जेड क्रोस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये भी 125 हो जाएगा, यही करना था। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन प्रूव कर, तो लाइन एंगल्स में बाबू आपको लाइन याद है ना सारा, तो आराम से हो जाएगा। अगला है वो क्वेश्चन में क्या था बाबू, पैरेलल प्रूफ करना था, तो बताया था बाबू पैरेलल प्रूफ अगर करना है तो क्या करो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, को इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दो, है ना बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, कुछो कर सर दो। एट का ए अब बताइए अपनी फिर आप। क्लास का टाइम है। एट का ए में कुछ है जी, अकेले जी 3 3x+3x बराबर 180, एक्स बराबर 30 आ जाएगा, एट का ए में अकेले, एट के ए में आपको कुछ लग रहा है जी, एक का स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा जी, शैतान है बताओ, यस सर दिख रहा है। तो फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, 3x 3x बराबर 180, तो एक्स बराबर वो 6x बराबर 30 आ जाएगा, इसमें क्या पूछे वाला, मतलब इसे मतलब पढ़ता नहीं, आपके आके कूटते कुरकर आके कूटते हैं शैतान। सर इतना सब बन गया, ये एक ठुनी में इसमें कूटने वाला कौन सा बात है, भेज करता जी आपसे एक को नहीं बना, इतना नहीं बना, एक को नहीं बना, ठीक है ना, भेज दू सर, ठीक अब भेजो 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 अब ये भेजो, आज कंगन को आरती क्या है पढ़े, आरती सर। क्या जी अभी भेजो, है ना, भेजो अभी इसी बात पे, बुल्ले बने ये वो नहीं बना भाई से, जल्दी सर भेज दे रहा हूँ सर। भेजो जल्दी भेजो, बच्चा भी सामने बाबू, भेजो तो जल्दी।
शैतान इतना बना लेगा होगा, ये एलकेजी वाला क्वेश्चन में ना बनेगा। देखो बाबू क्या कर रहा, पार्लर प्रूफ करने वाला में। बेटा जी ये 66 डिग्री दिया हुआ, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ, ये आपका 36 डिग्री दिया हुआ, और ये आपका 150 डिग्री दिया हुआ। प्रूफ करने का रहा ई लाइन मा ए बी है और ई लाइन मा सी डी है, भोली मनीषा साहब, और ई लाइन मा ई एफ है। तो प्रूफ करने का रहा ए बी पैरेलल ई एफ, क्या प्रूफ करने का रहा, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ प्रूफ करा। कैसे करोगे यही आपको समझना है। तो देखो आई सॉरी 66 डिग्री, तो यो जोड़ के कितना हो रहा है, 36 प्लस 30 कितना 66 हो रहा है ना जी। अरे 36 66, तो ये एंगल वा ये एंगल वा इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से। तो किसी भी बाबू दो गो अगर पैरेलल लाइन है, बोला दो गो अगर लाइन है अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, आपको पलाइन बताए थे। तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा सर, सी डी हो जाएगा। ए बी पैरेलल सी डी लिखना, बहुत एक्सप्लेन करके करना। ये 66 है, 66 अल्टरनेट एंगल से है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोला कि ना, लिखना सर, अपना। नेक्स्ट बोला आगे समझो, ये ऑल्टरनेट के बाद क्या लिखा है आपने? अच्छा ठीक है इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट सर बोला आगे समझो, ई एफ और सी डी में देखो क्या रिलेशन है, ई एफ सी डी पैरेलल होगा, शांति से समझना, होगा सर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल 125 150 है, और ये एंगल बा कितना है, ये वाला 30 है, ये 150 ये 30 है ना, ठीक सर, ये सब भूल जाओ। तो 150 प्लस 30 180 मतलब क्या सर, अरे शैतान, ये दोनों लाइनवा ई एफ, आई आपका ट्रांसवर्स लाइन हो गया मनीषा साहू, तो ई एंगल वा का सम 180 हो रहा है ना जी, 180 हो रहा है कि नहीं रहा, मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, ई एफ पैरेलल सी डी हो गया, ई एफ पैरेलल क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ पैरेलल सी डी, तो हम लोग बोल सकते सी डी सेम ना है जी, तो हम लोग बोल सकते सर ई एफ ए बी पैरेलल कितना ई एफ, तो यही तो करना था आपको, थोड़ी कोई रॉकेट साइंस करना था, है ना, ठीक है बोला जाओ, हम लोग कल फोर्स की कहानी सुनेंगे, जाओ गुड इवनिंग सर, गुड बाबू वो सब पान, इवनिंग सर, बाय गुड सर। इवनिंग, सर इसका बेसिक गड़बड़ है चल रहा है।